अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा कामयाब नहीं होगा। इंतजार फैलाने का मकसद ये है कि आपकी सियासत दफन हो रही है। इस्लामाबाद ने केपी से पुलिस अहलकारों को लाकर एहतजाज किया गया। इंतजार फैलाने वालों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, 1 अरब दरख्त लगाने के दावे करने वालों ने करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी शुरू करेंगे। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, आवाम से कभी झूठा वादा नहीं करूँगी। इंटर्नशिप के तहत वजीफा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का ऐलान किया। मुझे अक्सर ये सवाल सब पूछते हैं कि मेरा विजन क्या है पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए। मेरा जो विजन है पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब में इस वक्त मेरी जिम्मेदारी है, वो ये मेरे सामने बैठा है मेरा विजन। मेरी गवर्नमेंट की जो अप्रोच है कि मैं कल ये करूँगी परसों ये करूँगी, मैं वो बात नहीं करती। जब मैं कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं आवाम के सामने आके कहती हूँ कि मैं कर चुकी हूँ। नवाज शरीफ साहब की बेटी हूँ, जिन्होंने कभी आवाम से झूठा वादा नहीं किया और अगर कोई वादा किया तो उसको निभाया। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आज ओवरनाइट कोई बटन दबा देंगे तो स्मॉग खत्म हो जाएगी। स्मॉग को खत्म करने के लिए हमें मल्टीपल इकदाम उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर 15 करोड़ अवाम की जिंदगी और उनकी वेलबींग और सेहत का मसला है और कितनी गलत रिवायत हम डाल रहे हैं इकतदार की हवस की खातिर। एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपको आपका एजेंडा है, एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आपकी सियासत जो है वो दफन हो रही है। मैं अगर आपकी जगह होती, मैं कहती मेरी सियासी मुखालफत अगर अपनी जगह, अगर मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है तो मैं चुप करके मुँह पे उंगली रख के बैठ जाऊँ आराम से। ना खुद कोई काम करना है, ना कभी किसी को करने दिया है। कुछ भी हो जाए, हमने इस मुल्क पर इंशाल्लाह ताला आँच नहीं। IMF के बाद एशियाई तरक्याती बैंक का भी 3 वर्षों के लिए 6 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का ऐलान। सलीम मांडीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में कंट्री डायरेक्टर ADB की ब्रीफिंग। कहा, 3 वर्षों के दौरान 2.8 अरब डॉलर की रियायती फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। 2025 के दौरान 1 अरब 85 करोड़ डॉलर से ज़ायद फाइनेंसिंग होगी। साल 2026 के दौरान 2 अरब 30 करोड़ डॉलर फाइनेंसिंग का तखमीना है। साल 2027 में 2 अरब 25 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग की जाएगी। रकम सेहत, तालीम, क्लाइमेट एंड डिजास्टर के मंसूबों पर खर्च होगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का फैसला। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक 5 अरब डॉलर से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। इब्तदाई तौर पर सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान 2 अरब डॉलर सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब का हुकूमती और निजी शोबे से तकरीबन 40 कंपनियों का वफ पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पहुँचेगा। मजमूई शोबे में सरमायाकारी के लिए तकरीबन 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे, जिनमें ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहदे शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि पहले मरहले में सऊदी अरब से निजी शोबा पाकिस्तान में तकरीबन 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में 3 वर्षों के लिए 6 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का ऐलान कर दिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में कंट्री डायरेक्टर ADB ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि आइंदा साल 1 अरब 85 करोड़ डॉलर से ज्यादा की फाइनेंसिंग होगी। साल 2026 के दौरान 2 अरब 30 करोड़ डॉलर फाइनेंसिंग का तखमीना है। 2027 के दौरान 2 अरब 25 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग होगी, जबकि 3 वर्षों के दौरान 2.8 अरब डॉलर की रियायती फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। फाइनेंसिंग की रकम सेहत, तालीम, क्लाइमेट एंड डिजास्टर के मंसूबों पर खर्च होगी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए हुकूमत मुतहरिक है। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी गई है। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदामात किए जा रहे हैं। वजीर आजम ने बिजली के शोबे की इस्लाहात और चोरी के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। तवानाई शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इकदाम। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने का फैसला। मुल्क में तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। मीटिंग में इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट की मंजूरी दी गई। काबीना कमेटी के इजलास में नया इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील का भी उसूली फैसला किया, जिसकी काबीना बाकायदा तौसीक करेगी। ISMO हुकूमत के बिजली के वाहिद खरीदार का किरदार को बदतदरीज खत्म करके बिजली की मार्केट को मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में तब्दील करेगा।
ISMO के कयाम से बिजली सार्फिन को तकसीम कार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत दस्तयाब होगी। इदारा कम से कम लागत की बिजली की पैदावार और तरसीली निजाम के लिए तवील मुद्दती मंसूबा बंदी करेगा। ISMO के बायस बिजली के शोबे में गर्दिश गर्जे और बिजली के निरखों में खातिर ख्वाह कमी वाक़ होगी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली की चोरी और नुकसान कम करने के लिए तेज और मौसर इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बिजली के शोबे में इस्लाहात और चोरी रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैकेट पर पेशरफ्त हो रही है। ज़रई शोबे पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी जनवरी में की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर रस्मी गुफ्तगु। तहा ज़रई शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। चीन के साथ बिजली मनसूबों के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग पर मस्बत बातचीत हो रही है। कोशिश है मुआहदे हो जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के तीसरे रोज 100 इंडेक्स 5 पॉइंट इजाफे से 85,669 की सतह पर बंद हुआ। आज कारोबार की बुलंद तरीन सतह 86,451 जबकि कम तरीन सतह 85,444 रही। उधर रवां माली साल की पहली सहमाही में तरसीलात जर में भी 38% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आप ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज 100 इंडेक्स 86,000 की नफसियाती हद पार कर गया। मार्केट में कारोबार के दौरान शेयर्स की बुलंद तरीन सतह 86,451 जबकि कम तरीन 85,444 रही। मार्केट का इख्तिताम 5 पॉइंट इजाफे के बाद 85,669 की सतह पर हुआ। मौसी माहिरीन के मुताबिक IMF माहिदे ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया है। सऊदी ऑयल फैसिलिटी में $1.2 बिलियन कमिटवा है। इसके अलावा $3.2 बिलियन जो है ओवरऑल कमिटमेंट है पाकिस्तान को सपोर्ट के। आई थिंक ये भी एक मुस्बत बात है जिसमें मार्केट जो है काफी ज्यादा रुपी स्टेबिलिटी भी दे रही है और ओवरऑल सेंटिमेंट भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि अर्निंग सीजन है तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। आगे इंटरेस्ट रेट और कम होंगे तो और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। दूसरी जानिब रवां माली साल की पहली सहमाही में पाकिस्तान की तरसीलात जर में 38% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक सितम्बर के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से 29% से ज्यादा की तरसीलात जर वसूल की गयी। ब्रोकर्स ने हुकूमती इकदाम को तरसीलात जर में इजाफे की बड़ी बताया। हुकूमत की जो कारकर्दगी है मईशत के हवाले से वो बड़ी मुस्बत जा रही है। दूसरा ये कि IMF का मुआहदा आपका हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, और दूसरा ये कि फॉरेनर जो है आपके मुल्क में जो जैसे कल सऊदी वक्त भी एक आ रहा है जो कि पाकिस्तानी के ट्रेडर लोगों से मिलेंगे और उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। मरकजी बैंक से जारी अदादोशुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा तरसीलात जर सऊदी अरब से $68,13,00,000 वसूल हुई। UAE से $56,00,000, बरतानिया से $42,36,00,000 और अमरीका से $27,49,00,000 तरसीलात जर आई। कैमरामैन कासिम अहमद के साथ नियाज अली, GNN कराची। एमएंड ने पैमरा की जानिब से टीवी चैनल्स को नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए हैं। पैमरा नोटिसेस दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के एलानिया में कहा गया कि टीवी चैनल्स को पैमरा के मुसलसल एलानिया गैर एलानिया पाबंदियों के अहकाम का सामना है। कराची में दहशतगर्दी की कवरेज को बुनियाद बनाकर मुतादिद चैनल्स को शोकॉज नोटिसेस जारी किए गए। टीवी चैनल्स को शोकॉज नोटिसेस का मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इतलाक है। नोटिस में बेबुनियाद इल्जामात के बरक्स टीवी चैनल्स ने इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की। टीवी चैनल्स ने कवरेज में कवानीन, कौमी और मुआशरती मफाद और जाबता अखलाक का ख्याल रखा। टीवी चैनल्स ने हुकूमती कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौकिफ आवाम तक पहुँचाया। चैनल्स ने ट्रैफिक की रवानी और बंदिश से मुतालिक भी नाजरीन को आगाही दी। टीवी चैनल्स ने अपना फ़र्ज जिम्मेदारी से अदा किया, इसके बावजूद गैर कानूनी नोटिस जारी किए गए।